ओलंपिक खेलों में भारत को कई स्वर्ण पदक दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद के 113वें जयंती पर आज 29 अगस्त 2018 को खेल का आयोजन कर खेल दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक सदाशिव पांडे ने मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हॉकी के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ही हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को बड़े ही गौरव के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीपी एजुकेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद मध्यसिया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने जर्मन सेना में कर्नल बनाने और जर्मन की ओर से खेलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह केवल अपने देश की ओर से खेलने में अपना गौरव समझते थे। इस अवसर पर विद्यालय के सभी छात्र छात्रा, कोषाध्यक्ष आलोक पांडे, बाबूराम भारती, अध्यापक ब्रिजेश भारती, सतीश प्रजापति, संदीप पटेल, भारतेंदु पांडे, अजय पटेल, प्रेमपाल यादव, इंद्रजीत चौहान, मोहम्मद बिलाल, अजय मिश्रा, प्रीति मिश्रा, प्रीति श्रीवास्तवा, पूजा सिंह, राजू गौतम, शिवांगी जायसवाल एवं स्नेहलता शर्मा उपस्थित रहे। जनपद महाराजगंज के बिजलौर से ब्रिजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट।